नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने हाल ही में मल्टी स्टार फिल्म बागबान के बारे में बात की। इस दौरान हेमा ने बताया, बागबान जैसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करने के पीछे उनकी मां की खास भूमिका रही है। हेमा ने कहा कि वह शुरुआत में रवि चोपड़ा की इस फैमिली फिल्म में चार बच्चों की मां का किरदार नहीं निभाना चाहती थी। एक इंटरव्यू में हेमा ने कहा, मुझे याद है जब रवि चोपड़ा मुझे फिल्म की कहानी सुना रहे थे तो मेरी माँ भी वहीं बैठी हुई थी। उनके जाने के बाद मैंने कहा, चार इतने बड़े लड़कों की माँ का रोल करने का बोल रहे हैं, मैं ये कैसे कर सकती हूँ। हेमा ने आगे बताया कि उनकी माँ चाहती थी कि वो इस फिल्म को रिजेक्ट ना करें। उन्होंने कहा, तब मेरी माँ बोली, नहीं नहीं तुम्हें ये करना ही होगा। मैंने पूछा, क्यों? इस पर माँ ने कहा, इसकी कहानी बहुत अच्छी है, तुम्हें ये रोल करना ही होगा। हेमा ने आखिर में कहा, इस फिल्म को करने से पहले मुझे लगता था कि मैंने लंबे समय से कोई फिल्म नहीं की है। मैं बहुत समय के बाद फिल्मों में काम करने जा रही थी तो मैंने सोचा मुझे इस फिल्म से शुरुआत क्यों करनी चाहिए, लेकिन माँ ने कहा, नहीं तुम्हें ये फिल्म करनी ही होगी, इसमें तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।